हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ है मिस्टर आशीष कुमार यादव, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत समय से हम चाह रहे थे कि आप लोगों से मिल सकें, तो लेकिन कोई टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा था। आज बहुत अच्छा टाइम शेड्यूल हुआ, सब चीजें हो गई, तो आज हम आप लोगों के साथ हैं। तो आप जानेंगे आशीष यादव के सफर के बारे में कि कैसे लाइफ को आपको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपको अपना करियर का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है, और आपको स्टेप्स जानते रहना है। हमेशा आप एक पाथ को फॉलो करके जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, है ना? आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे अपनी लाइफ में, जब आप हम डिस्कस करेंगे आशीष की लाइफ को, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको जब आपको दो में से कोई एक चीज चूज करनी होगी, और आपको एक दूसरा रास्ता भी आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जा सकता है। तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आशीष की, तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर रहता हूँ इनसे। और हम, मतलब मैं ही नहीं, हमारे जो भी सारे दोस्त हैं तो सब रहते हैं। तो आशीष वेलकम। तो थैंक यू सो मच। आशीष, पहले हम जान लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी क्या है? तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पे ना सब कुछ पेड नहीं है, बहुत कुछ फ्री भी है। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां पर फ्री स्पेशल सेशंस मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स के। अनअकैडमी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें से एक चैनल ये है जिस पे आप हमें देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे और बहुत सारे एजुकेटर्स के जो लेक्चर्स हैं वो CSIR नेट के लिए चलते रहते हैं। अगर आप प्लस की तरफ जाना चाहते हैं, आइकॉनिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, लाइव टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एसेस होता है, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग होती है आपकी, और इसके साथ साथ आपको प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल मिलता है, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग होती है, तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। तो ऑफलाइन कोचिंग में जो सारी जरूरतें हमारी पूरी हो रही थी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो वो अब अनअकैडमी के थ्रू ऑनलाइन हो जाती है। कौन पढ़ाते हैं? बहुत सारे टॉप एजुकेटर हैं, आप एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, सारे डिटेल में वो कोर्स कराते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो फीस पेमेंट में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप आइकॉनिक की तरफ जाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, प्लस में आप जाते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शन है। तो जो अगर आप देखते हैं 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, वो मात्र 833 रुपये पर मंथ पड़ता है। और अभी अगस्त 31 अगस्त तक एक ऑफर भी है, क्या 6 महीने में 1 2 महीने एक्स्ट्रा है और 12 महीने में 2 महीना एक्स्ट्रा है। अगर आपको लगता है, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो भी आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम आशीष जी के बारे में जान लेते हैं। तो मिस्टर आशीष कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम निर्जुन झुंझुनवाला कॉलेज घाटकोपर बेस्ट में है, मुंबई में। और सर के अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो सर नैट क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई है, सेट क्वालिफाई है, बार्क का इंटरव्यू दे चुके हैं, जेस्ट क्वालिफाई है, और सर ये एग्जाम भी मोर देन वन टाइम, है ना? ऐसा नहीं है कि केवल एक टाइम, सर एक से ज्यादा बार ये सब एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम सारी बातें शुरू करते हैं आशीष जी के साथ। तो सर, आप कहाँ से ये चीजें आपको आई ना कि अब हमें हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए? और क्योंकि MSc जब हम पास करते हैं सब ना, तो हमारे मन में बड़े सारे सवाल होते हैं कि हमको किस लाइन में करियर बनाना है। तो अपनी जो ये सफर है, एजुकेशनल सफर, एकेडमिक का, वो आप हमारे साथ शेयर करिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवितेश जी बहुत अच्छे मेरे दोस्त ही हैं और इन्हें मैं काफी पर्सनली जानता हूँ। और प्लीज सबसे पहले तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक नेट या सेट की सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई है, वो इनका कोड यूज करें और इनके सब्सक्रिप्शन लें। और काफी अच्छा पढ़ाते भी हैं ये, हम भी पर्सनली इनके वीडियोस देखते हैं, काफी मजा आता है नया नया चीजें नई नई चीजें सीखने में। ओके, तो जैसा कि आपने पूछा कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो मैं आपको एक छोटा सा अपना ही बताता हूँ कि मतलब मैंने कैसे शुरू करा हुआ है ये सब चीजें। क्योंकि शुरू में जब मैं BSc में था, इवन जब मैं MSc में चला गया, तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ प्रिपेयर भी करना है। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, फिजिक्स में तो मुझे इंटरेस्ट था भी नहीं। बट एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं BSc फर्स्ट ईयर में था, तो Physics 1 का जो पेपर था हमारे यहाँ, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है उसके अंदर, तो मैं उसमें फेल हो गया था। फेल हो गया था, इनफैक्ट मतलब 60, मतलब मुझे लगा कि कंबाइंड पासिंग है, तो मैंने Physics 1 को एकदम लाइटली लिया और कम पढ़ा, जिस वजह से क्या हो गया, उसमें मेरे मार्क्स कम आ गए और मैं इनफैक्ट फेल हो गया। फिर Physics 2 मैंने उसमें कवर किया पूरा मार्क्स, बट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर मतलब इक्वली सब मिला के कंबाइन करके मैं पास हो गया। बट मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट कर गई, बिकॉज
बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट मतलब टिल 12th स्टैंडर्ड, मुझे लगा कि मैं फिजिक्स में कैसे फेल होता हूँ, मतलब मेरा कॉम्बिनेशन जो था हमारे यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मेरा फिजिक्स मैथ्स और स्टैट्स था, आई वॉज मतलब हाईएस्ट स्कोरर इन स्टैट्स मैथ्स बट फिजिक्स में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर लग गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिजिक्स में करियर को परसू किया जाए, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं और फिजिक्स मुझे थोड़ा सा पसंद भी हुआ करता था। फिर मैंने बीएससी कर लिया, थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से मैंने बीएससी करते करते तब से मैंने जॉब करना शुरू किया, जॉब मतलब एज अ ट्यूटर एंड आई यूज टू टीच मैथ्स ओनली, मतलब फिजिक्स में तभी भी मेरा झुकाव नहीं था। फिर जब मैंने एमएससी पार्ट वन कर लिया, फिर जब मैं एमएससी पार्ट टू में चला गया, तो एमएससी पार्ट टू में चला गया तो मुझे कुछ फ्रेंड्स के थ्रू मालूम पड़ा कि अरे हमें नेट का एग्जाम भी देना है, नेट का एग्जाम देंगे तो ही, तो मैंने तो फिर अभी भी निगलेक्ट किया, मैंने सोचा अरे यार कोचिंग में अच्छा पढ़ा रहे हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं जरूरत क्या है, नहीं कर रहे हैं चलो। बट क्या हुआ कि मतलब एक दिन मेरे बड़े भैया ने बोला देखो आशीष ऐसा है कि अगर आप पढ़ाने की चाहते हैं कोचिंग में कोई गलत बात नहीं है इसमें, अच्छा पैसा मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है, बट चीजें सिर्फ वहां पे उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ दिन के लिए अगर आप सीख पड़ जाते हो या कुछ पढ़ जाते हो ना तो आपको कोचिंग वाले तभी तक ही पैसे दे पाएंगे जब तक आप उनको सिखाएंगे। जहां पे आपने सिखाना ये सब स्टॉप कर दिया तो आपका कोई करियर नहीं है, और आपने एमएससी सब फिजिक्स में किया है और आप सिखा रहे हो मैथ्स में तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस कोई यूज नहीं होगा। तो उन्होंने बोला क्यों ना आप हायर स्टडीज के लिए सोचो, हायर स्टडीज मतलब आप पीएचडी के लिए क्यों नहीं सोचते हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्यों नहीं सोचते हो, आप खुद को जब टीच ही करना है तो क्यों ना फिजिक्स पढ़ाओ वो भी डिग्री कॉलेजेस। तो ये चीज मुझे काफी उन्होंने अच्छा आइडिया दिया, तब मैंने मेरा ध्यान वो मेरा लाइफ पर टर्निंग पॉइंट रहा कि भैया का ये नॉलेज मतलब उन्होंने जो मुझे कहा, तो उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। उसके बाद भी मेरे साथ काफी इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि मैंने पहले तो प्रिपरेशन शुरू किया एमएससी के सेकंड पार्ट से, और बाद में जब मेरा सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई हुआ गेट और जेस्ट, नेट उस समय क्वालिफाई नहीं हुआ। जब हम दिल्ली साथ रहते थे आई थिंक, है ना? हाँ साथ रहते थे जब हमने प्रिपरेशन करा। तो उसके बाद जब गेट और जेस्ट मेरा क्वालिफाई हुआ और मेरा नेट नहीं निकला उस टाइम पे, कुछ 3 मार्क्स से रह गया, तो काफी निराश हुआ मैं। फिर मैंने सोचा कि चलो गेट निकल गया है, पीएचडी तो करना ही था, तो किसी न किसी जगह पीएचडी अप्लाई कर, जेस्ट भी हो गया था। तो वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैंने ना करीबन 6 से 7 इंस्टीट्यूट में पीएचडी अप्लाई किया, आईपीआर हो गया, पीआरएल अहमदाबाद हो गया, बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ एरीज हो गया, मतलब नैनीताल, काफी जगह भी गया मैं। और हालांकि मैं फिजिक्स उतना अच्छा नहीं था तब तक, लेकिन मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं कभी भी, तो मैं 5-6 जगह मैंने इंटरव्यू दिया। नहीं आप ये गलत बोल रहे, 5-6 जगह अच्छे थे आप, है ना, हम कोचिंग में सब रहते थे, बात होती थी, तो ये कोई नहीं है, तो आप ऐसा नहीं समझिएगा, सभी लोग फिजिक्स में सर बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्चुअली आदमी अपने हिसाब से उसको एग्जामिन करता है तो उसको लगता है कि आज मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, उस रिलेटिव उस समय कम जानता था, इसलिए सर ऐसा कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं था, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट तो हुआ ही, भाई साहब ने फोन किया मुझे, कहा कि अरे हाँ तुम क्या कर रहे हो, 5-6 जगह तुम्हें इंटरव्यू दिया तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो ये चीजें मन में थी। फिर मेरा लास्ट इंटरव्यू था IIT BHU में, तो जब मैं IIT BHU गया तो ये जो 5-6 जगह जो मैंने फेलियर्स लिया था ना, तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं, कैसे मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाऊं, तो वो सारी चीजों का जो मुझे हेल्प मिला मेरे 6th इंटरव्यू में जो IIT BHU मैंने दिया, वहां पे मैं क्वालिफाई कर गया। एक चीज तो मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा कि आप है ना अपने विनिंग से बहुत कुछ नहीं सीखते, जब भी सीखते हैं आप अपने फेलियर से सीखते हैं, ज्यादा सीखते हैं, विनिंग से कम। तो फिर मैं IIT BHU में मैंने जैसे एडमिशन ले लिया, काफी खुश हो गया कि पीएचडी मिल गई, फेलोशिप आएगी, ये सब एंड सब। फिर मैं जैसे मैंने एडमिशन लिया, फिर नेक्स्ट मंथ में महाराष्ट्र सेट का एग्जामिनेशन हुआ था, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो मैंने दिया और उसमें तकरीबन पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे आए थे। आउट ऑफ 350 आई गॉट मोर देन 260 मार्क्स, जो कि मतलब पहले वो हम लोग शीट आती थी तो उसमें मैंने चेक किया हुआ था, तो सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे थे, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट हुआ। और फिर जब हुआ तो सेट क्वालिफाई हो गया मेरा। उसके बाद मैंने उस साल नेट फिर अटेम्प्ट किया, और नेट अटेम्प्ट किया तो उस टाइम नेट भी निकल गया,
और फिर अगली बार जेआरएफ भी निकल गया। मतलब ये चीजें जो मतलब मैं 6 जगह फेल हुआ इंटरव्यू में, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही पॉजिटिवली मुझे मैंने लिया उनको, और उसको हिसाब से मैंने खुद को प्रिपेयर करते चला गया कि कोई बात नहीं, अब नहीं अभी तक फेल हुआ बट आगे तो फेल नहीं होगा ना। अगर मैंने प्रिपरेशन में वही छोड़ देता तो मैं फेल हो जाता, बट मैंने स्टिल प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा और धीरे 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 आगे चलता चला गया। फिर पीएचडी में एडमिशन लिया 2016 में, आई गॉट अ जॉब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ डिग्री कॉलेज जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, पीएचडी भी करना है और जॉब भी मिल गई, तो मैं क्या चूज करूँ। तो वहाँ पे मेरे जो मेंटर थे, जो मेरे गाइड थे, उन्होंने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला आशीष ऐसा है कि जॉब तो सभी को चाहिए होता है और आप पीएचडी के बाद भी इसी जॉब के पीछे जाओगे, तो बेटर यू टेक द जॉब फर्स्ट। और पीएचडी के लिए तो हम यहाँ पे लीव वगैरह का प्रोविजन कुछ होता था, तो हमने वो किया। तो फिर मैंने आईआईटी बीच 3 to 4 years का लीव ले लिया और मैंने अपना यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लिया। प्रोबेशन खत्म, कंफर्मेशन, एवरीथिंग इज ओवर, देन अगेन आई रीजॉइन आईआईटी बीएचयू फॉर द पीएचडी, फॉर परसुइंग माय पीएचडी। तो ये तो था मेरा सफर कैसे कैसे अभी तो चल रहा है। और अभी तो यही हम मतलब हम लोग के बीच में ना ये रहता है हमेशा कि नहीं नेट करो जॉब करो। और ये तो मैं आपको यहाँ पर मतलब हम बच्चों से मिलवाना चाह, मैं तो पर्सनली सब जानता ही था, लेकिन मैं चाहता था कि आप ये जो आशीष की कहानी है वो आशीष के मुंह से सुन सके, है ना। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एम आपका मतलब हो सकता है कि आपका पर्सनली कुछ एम अलग हो, लेकिन जैसे आशीष ने भी बताया और उनके मेंटर ने भी बताया कि अल्टीमेट एम हमको क्या करना है, गवर्नमेंट की जो मतलब सेवा ही करनी है, सोसाइटी की सर्विस करनी है, उसको हमें एक जॉब चाहिए उसके लिए। तो वो आपको अगर पहले मिल जाती है तो आप मतलब ये चीजें बाद में भी कर सकते हैं, जैसे नेट हो गया आपका, लकीली इनका तो गेट भी पहले ही हो गया था, लेकिन आपका अगर ऐसा भी हो रहा है वो बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मैटर नहीं करता। आपको जॉब लेने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मेन आशीष को लाने का मेरे यहाँ पर एक एम ये था कि आपको ये समझना चाहिए कि जॉब लेने के लिए आपके एवरी एग्जाम कि अपने आप में इम्पोर्टेंस है ना। ऐसा मत सोचिए कि आपको सेट का एग्जाम नहीं देना है जी, कोई जरूरत नहीं भाई, सेट के एग्जाम से भी सेम जॉब मिलती है जो आपको नेट के एग्जाम से मिलती है। तो एक एम तो हमारा मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक आप बोलिए। तो दूसरा हम ये चाह रहे थे कि सर, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे साथ जब रहते हैं वो ये कहते रहते हैं जितेश सर मेरा ना एक पर्टिकुलर यूनिट में इंटरेस्ट है, या फिर मैं पूरा सिलेबस कवर ना करूं, कम सिलेबस कवर करूं। तो आप जब तैयारी कर रहे थे और आपका एक लंबा एक्सपीरियंस भी है, तो आप सिलेबस को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और सिलेबस का कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब सिलेबस को रेस्पेक्ट में रख करके आपका क्या व्यू है, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। सिलेबस को लेके तो जैसे आपको भी पता है, जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमने पूरा फोकस जो रखा हुआ था वो क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये जो चारों है ना, ये तो मैं एकदम अच्छे से थरोली में पढ़ता ही था, और साथ ही साथ मैंने स्टैटिस्टिकल को भी काफी वेटेज दिया हुआ था, क्योंकि वो भी एक अच्छा कहीं ना कहीं आगे चल के हमें बहुत काम देता है। तो मेरे हिसाब से कि आपने सिलेबस को पहले तो थरोली देखना पड़ेगा, और आपको क्वेश्चन पेपर लेके बैठना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन फंसे तो मैं उसको छोड़ू ना, मैं उसको उस क्वेश्चन को तो पूरी तरह से कर लूँ। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी बनाई है तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको अभी भी बताता हूँ अपना एग्जाम्पल। मैं जब शुरू में मैंने तैयारी शुरू करी थी, क्योंकि फिजिक्स में मैं थोड़ा सा वो मैं खुद को एक ऐसा अंडर वैल्यूड समझता था, तो मैंने क्या करा, पहले क्वेश्चन पेपर लिया और पहले मैंने उसको एनालिसिस किया कि किस सेक्शन से किस क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और जब मैंने रिपीटेड देखा कि हाँ इन पेपर्स में इस सेक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मैंने उन सेक्शन को पहले कंप्लीट करा। जैसे जैसे मेरे वो सेक्शन कंप्लीट होते चले गए, फिर मुझे आगे के परीक्षाएं मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ और चलते होते चला गया। और एक चीज है कि अगर आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया तो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप बाकी एग्जाम्स को भी इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे हर्डल्स लाइफ में सभी के आते हैं, बट आपने प्रिपरेशन में लगे रहना है और प्रिपरेशन करते चलना है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन से दूर हो गए मतलब आप फिजिक्स सब्जेक्ट से दूर हो गए तो नेट सेट तो बहुत दूर हो जाएगा आपसे। तो आपको हमेशा प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए। और पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि अनअकैडमी में तो काफी अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं आजकल, तो मैं पर्सनली देखता भी हूँ, जब मुझे पोस्ट पीजी की क्लास वगैरह लेनी होती है तो थोड़ा बहुत मैं रेफर भी करता हूँ, तो काफी अच्छे वीडियोस हैं।
तो मैं तो आपको रिकमेंड सबसे बड़ी चीज करूंगा है ही। कि ये जो मतलब अनअकैडमी का मोटो है कि आप किस जिस टीचर से चाहते हैं, जितने अच्छे टीचर से चाहते हैं, सबको मिले। डेमोक्रेटिसाइज का मीनिंग है कि भाई आप जो भी एक अच्छे टीचर पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का ना रहे, जो चाहे वो पढ़ सके, और फ्री है सर, यूट्यूब पे सब फ्री है, स्पेशल सेशन पे बहुत सारी चीजें फ्री है। तो ये अनअकैडमी का एम है। और सर एक सवाल हमेशा रहता है, जब भी कोई टॉपर आते हैं या फिर कोई मतलब सक्सेसर आते हैं, तो उनसे कि आपने जो बुक्स फॉलो की होंगी है ना तैयारी में, अगर आपको कुछ थोड़ा, वैसे तो सभी रिमेम्बर होगा आपको, लेकिन आपको जो लगता है कि मतलब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है बुक को लेकर के, आप थोड़ा सा। बुक्स को लेके जैसे मैंने बताया कि जो मेरे चार कोर्स सब्मिट हुआ करते थे, तो मैं हर कोर्स सब्मिट के बुक से भी स्टडी करता था। इवन तो मैं जैसे कि बता दूं आपको, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ना है मुझे, तो मैं डीजे ग्रिफिथ की बुक फॉलो करता था, बिकॉज वो बहुत ही हेल्पफुल है। और सेकेंड चीज, क्वांटम पढ़ना है तो क्वांटम में भी डीजे ग्रिफिथ। हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना है तो आप एक बार नॉर्दन जेटिली की बुक ले सकते हैं, जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। इवन जब आप कहीं फंस जाते हो तो आप वहां देख के भी रेफर कर सकते हो। और रह गई बात क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो जेसी उपाध्याय जो कि हमारा है ही, वो काफी अच्छा, हम उसमें से उसको देख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे सारे हमने बुक्स को, मतलब मोस्टली जो कोर्स सब्जेक्ट है वो आपके एकदम पक्के होने चाहिए। मैथमेटिकल फिजिक्स एच के दास है, जैन एंड आयंगर है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, तो वो सारी बुक्स को मैंने, मतलब अभी भी मेरे पास बुक्स अभी यहाँ पे भी है, मैं है उनको सारी, अभी भी पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं हो कि वो मैं पढ़ना ही अभी नहीं पड़ेगा पढ़ता, सर। मैं अभी भी पढ़ता हूँ। जी बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सब मेरे कोर के बुक्स हैं और जो मैं मोस्टली फॉलो करते ही रहता हूँ। और लकीली मैं पीजी में इस बार मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी मैं उन्हीं बुक्स को रेफर करते रहता हूँ, तो मुझे अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं। ये रहा। तो अगर आपको सर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा, सर जरूर रेस्पॉन्ड करेंगे, और सर से आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो सर जरूर कुछ ना कुछ आपसे मिलेंगे। और सर अब जाते जाते कोई बात है आपकी? थैंक यू मुझे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जीवितेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं सभी से कहूंगा कि ये चीज को, कि जीवितेश भाई एक अच्छे टीचर हैं, इनके वीडियोस भी काफी अच्छे हैं, तो जब भी आप अगर अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को लीजिए और लॉग इन कीजिए, और जीवितेश भाई का जो कोड है कोड है वो जरूर जेके यूज आर्ट कीजिएगा है आप। ना, जेके आर्ट हाँ है। हाँ चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने हम दोनों लोग फिर मिल गए, बहुत लंबे टाइम से बातचीत हाँ होती हाँ है फोन हाँ पे और होती रहती थी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यहाँ अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच, और लेट्स क्रैक इट। आप सभी लोग तैयारी में लगे रहिएगा, और सर से जो भी कोई बात हो आप पूछिए, सर आपकी हेल्प करेंगे, और पर्सनली आपकी भी हेल्प करेंगे सर, मतलब मेरे भी आप पर जरूर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर।